दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो रीसेंट INR डिपॉजिट पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं पेमेंट गेटवे में, तो उसको आप कैसे बाईपास कर सकते हो, एंड जो चार्जेस है क्या वो लेजिटिमेट है, क्या उतने चार्जेस यार सही में उसके बनते हैं या नहीं, और क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको यार कभी ना कभी ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना ज़्यादा चार्जेस मतलब कोई नहीं लेता, बट क्रिप्टो में ये क्यों हो रहा है, सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और वीडियो को मैं बिल्कुल ही बिगिनर्स पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दूंगा, तो उसको आप स्पेसिफिक पोर्शन में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये INR डिपॉजिट का इशू है वो क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि RBI ने 2018 में एक सर्कुलर निकाला था कि जितने भी इंडियन बैंक्स हैं उनको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो को एज ए लीगल टेंडर कंसिडर नहीं करते। तो उसके बाद जो है बैंक्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया था, और ये बात है 2018 की। बट उसके बाद जब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI की इस ज्यूरिसडिक्शन को ओवररूल किया, उस टाइम के बाद से जो बैंकिंग सर्विसेज है वो काफ़ी हद तक रिस्टोर हो गई थी 2020 में, और जो एक्सचेंजेस है उनको अच्छा खासा बैंकिंग सर्विस मिल रहा था। बट सडनली यहाँ पे जब हम बात करें 2021 की, तो इस साल काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, जहाँ पे ऐसा न्यूज़ सोर्सेस बता रहे कि RBI ने एक ऐसा ड्राफ्ट सेंड किया है हर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कि अपने डिसीजंस को आप एक बार रिकंसिडर करो कि आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सर्विस देना भी या नहीं। तो ये चीज़ें मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ तो बिहाइंड द सीन्स हो रही है, जिसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, नाइदर फ्रॉम द बैंक्स ना कि RBI से। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले या फिर हफ्तों पहले तक जो एक्सचेंजेस का मेन बैंकिंग प्रोवाइडर था, अगर हम बात करें वजीरेक्स की, तो उसका था ICICI बैंक। अब उसके बाद जो प्राइवेट लेंडर है इंडिया का, वन ऑफ द टॉप बैंक्स ICICI बैंक्स ने अपेरेंटली जो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज है उनको ये बताया कि यार आप हमारे सर्विसेज क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मत दो, और उसके बदले में आप कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर देख लो। तो उसके बाद जो है सर्विसेज को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास दिया गया, बट उसका भी कुछ कुछ दिनों चलने के बाद उनका भी ये आया कि यार हम नहीं करेंगे। तो अभी जो INR डिपॉजिट्स है वो प्रोसेस हो रही है थ्रू अ थर्ड पार्टी वॉलेट सर्विस, जो कि है मोबिक्विक। अब दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि देखो जो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज है उनके पास होती है बैंकिंग APIs। अब APIs का ये काम होता है कि मान लो आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट करा, तो पैसा तो इंस्टेंटली वजीरेक्स के अकाउंट में नहीं जाता है, क्योंकि वो जाता है वाया पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी। तो वो लोग एक API कॉल बैक करके जो ट्रांजेक्शन है उसको इंस्टेंटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कराते हैं, बाद में जो भी बिहाइंड द सीन्स काम होता है वो अपने आप में देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई बैंक API सर्विसेज देना बंद कर दे, तो अपेरेंटली जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, और उस पर काफ़ी ज़्यादा लैग आएगा, डिलेज आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी के जो ऑप्शन है, तो वो है मोबिक्विक, और यहाँ पे आपको लग रहे हैं यार 1.5% का डिपॉजिट चार्जेस, और ऊपर से आपको देना पड़ता है 18% GST। तो लगभग 2% चार्जेस आपको लग जाते हैं हर एक ट्रांजैक्शन पे जो कि आप डिपॉजिट करते हो INR में, जो कि अपने आप में कोई छोटा अमाउंट नहीं है, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो उस बारे में काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन है कि यार ये सही चार्जेस नहीं है। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, वो है P2P ऑर्डर्स पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वजीरेक्स के P2P की, तो बेसिकली ये होता है ये कि मैंने इस पे ऊपर एक रिसेंटली वीडियो बनाया है जिसको आप जाके देख सकते हो, उसमें ऑलरेडी 2,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें ये सीन बना है कि लोग मैच होता है, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता प्रॉपरली बेस्ड ऑन योर रेटिंग्स या फिर और कुछ मेजरमेंट्स के द्वारा, जिससे कि आप ये देख सको कि यार ये जो बंदा बायर है या फिर सेलर है वो जेन्युइन है या नहीं, और उसने कितने ज़्यादा ऑर्डर्स को फिल कर रखा है, जैसा कि आपको बाइनेंस में हर एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर मिल जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है भी या नहीं। तो वजीरेक्स में ये सिस्टम नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार P2P यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप बाइनेंस को ट्राई करो, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। और फिर आप अपने वजीरेक्स और बाइनेंस अकाउंट को कनेक्ट कर लो, तो उसके बाद जो है आप अपने USDT को ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने वजीरेक्स अकाउंट में, जिसके बाद आप ट्रेड कर पाएंगे। और यहाँ पे यार USDT का एक और डाउनसाइड भी ये है कि इसका जो रेट है यानी कि INR रेट, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो कल ये फॉर एग्जाम्पल था 84 रुपीज़ का, आज ये 82 रुपीज़ का, और मे बी ये कल हो जाएगा फिर से 79-78 रुपीज़ का। तो ये जो रेट फ्लक्चुएशन है ये बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि ये जो कॉइन है वो एक डॉलर पेक्ड स्टेबल कॉइन है, ये US डॉलर नहीं है। काफ़ी लोग इसको मिसकंसेप्शन से ऐसे सोच रहे थे कि यार ये तो डॉलर खरीद रहे, तो इसका रेट इतना ज़्यादा क्यों है, भाई ये डॉलर नहीं है कि USDT है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है पेग्ड टू अ डॉलर।
अब दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगी। इस वीडियो में आपको मतलब एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि यार आपको कैसे INR डिपॉजिट्स करनी है। अगर आप बड़े अमाउंट्स का ट्रांजैक्शन करते हो, मैं रेकमेंड करूंगा कि यार P2P यूज़ करो, बाइनेंस पे, ना कि वजीरेक्स पे, और फिर दोनों को कनेक्ट करके उसके बीच में आप ट्रांसफ़र कर लो। बट अगर आप छोटे ट्रांजेक्शन्स करते हो, मान लो आप 1,000 रुपये ऐड कर रहे हो, 2,000 रुपये ऐड कर रहे हो, तो यार इसके लिए कोई सेंस नहीं बनाता कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि P2P ट्रांजेक्शन्स करोगे। बट फिर भी अगर आपको कॉस्ट सेविंग करनी है, P2P इज अ ग्रेट ऑप्शन, आप उसको ट्राई कर सकते हो। बट हमेशा उसको बाइनेंस पे करो, ना कि वजीरेक्स पे। बहुत ही इतना ही था, आई होप कि कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिले तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय।